गुलाब जैसे हो गुलाब लगते हो, मुर्शद हल्का सा मुस्कुराओ तो लाजवाब लगते हो। आई होप कि आपको प्रीव्यू पसंद आ गई होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं, मतलब आप लोग अपनी वीडियोस को कैसे मतलब उर्दू शायरी से सजा सकते हैं, इसके ऊपर मतलब कैसे उर्दू शायरी लिख सकते हैं, तो ये कैंड मसल में भी हो सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में हमारे 3 स्टेप में होने वाली है। नंबर 1 स्टेप, हाउ टू गेट अ टेक्स्ट, आप लोग टेक्स्ट कैसे ले सकते हैं वो भी कैंड मसल के अंदर, तो वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। एंड नंबर 2, आप लोग मतलब अपने लोगो कैसे बना सकते हैं, जो आप लोगो देख रहे हैं मेरे, ठीक है, तो ये भी मैंने बनाया। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको ले लूँगा। एंड नंबर 3, इसकी एडिटिंग के बारे में, अगर आप इसकी एडिटिंग जानना चाहते हैं मतलब कैनवा के अंदर, वो अभी मैं आपको आगे वही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मतलब जो दूसरे नंबर पर है वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताने वाला, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो सकती है। तो एंड मतलब ये भी मैं आपको सारा कुछ आगे बताने वाला हूँ, प्रोफेसर सब कुछ समझाने वाला हूँ काफ़ी ईजी स्टेप से। तो वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है, वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो आज की इस कमाल वीडियो को हम लोग करते हैं बिना देर किए स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट लेने के लिए हम लोग जाएंगे कैंड मास्टर के ऐप स्टोर में। तो हम लोग जैसे जाते हैं ऐप स्टोर में, एंड मस्ट भी आपका इंटरनेट जो है वो ऑन होना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट ऑन हो तो ये फ्रेश हो जाएगा जल्दी, मेरा नेट तेज़ है, ठीक है। तो ये आखिर में आएंगे, ठीक है, बिल्कुल एंड में आकर ये स्क्रॉल करेंगे, आखिर में आपको 3 हज़ार इस पर क्लिक करेंगे, इसमें आपको हर एक ज़ुबान के टेक्स्ट मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन हमें उर्दू की चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे एंड पे ये स्क्रॉल डाउन एंड उर्दू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब लोडिंग में थोड़ा टाइम हो लगेगा, यहाँ पे ये उर्दू के जो है ना आ जाएंगे, ये उर्दू का आ गया एक, ठीक है। तो इसी पे आप लोगों ने क्लिक करके इसको डाउनलोड कर देना है, ये इस पे मैं क्लिक करके ये आपके सामने मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ। तो ये आगे आपका डाउनलोड बटन नज़र आ रहा है, इस पे आप लोगों ने क्लिक करके इसको डाउनलोड कर देना, ठीक है। डाउनलोड बटन में क्लिक करके आपने इसको डाउनलोड कर देना है, ये कोने में आपको बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको सामने नज़र आ रहा है। तो ये इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब हमें चाहिए मतलब अरबी जो होते हैं ना, वो भी उर्दू की तरफ अरबी की तरफ जाते हैं, ठीक है, ऐसे बैक करके चलते हैं ना अरबी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से जाएंगे अरबी, ये अरबी का आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे इस पर क्लिक करके, ठीक है। बाकी सारी ज़ुबानों पर क्या आपको कौन सी ज़ुबान की चाहिए, मतलब लाइक हिंदी, थाई, तमिल, सब कुछ जिसमें होती है, ठीक है। एंड अरबी भी उर्दू की तरह ही होती है, मतलब थोड़ी बहुत वर्डिंग की चेंज होती है। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं कोई भी, यहाँ से ये वाली ले लेते हैं जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, तो इसी को मैं डाउनलोड कर देता हूँ। तो ये डाउनलोड आपके सामने हो रहा है, काफ़ी मतलब ये इंस्टॉल हो चुके हैं। एंड यहाँ से आप लोग कुछ और भी आपको जो भी अच्छा लगे, तो यहाँ पे मुझे जो जो अच्छा लगे वो मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ। मुझे एक ये वाला अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी बेस्ट मुझे लग रहा है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये आप लोग मतलब अपना कोई बनाने वाले, ठीक है, ये भी बेस्ट है। यहाँ से स्क्रॉल डाउन, यहाँ से और कोई देखें, कोई आपको मज़े का नज़र आ रहा है वो भी इसमें कर दें, ओके। तो वो भी इसमें यहाँ से इसको में कोई और भी आपको मज़े का नज़र आ रहा हो, कोई आपको मिल जाए वो भी इसमें करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ना जो सबसे पहले कैंड मास्टर में यहाँ पे प्लस आके आपको नज़र आ रहा होगा, दरमियान में मेड में इस पर क्लिक करना है। एंड 16:9 जो आप लोगों ने ले लेना है, 9:16:9:16, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने अपनी फ़ोटो ले लेनी, मेरे पास एक फ़ोटो है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ले लेनी है अपनी फ़ोटो, जो भी आपने उसको ले सकते, इसके ऊपर आप लोग राइट करेंगे। तो मैं इस फोटो को ऐसे सेलेक्ट कर देता हूँ, डन। अभी मैं इसको जूम कर दूँ, ऐसे ऑप्शन पे क्लिक करके मैं ऐसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इतना आपको जितना मतलब चाहिए बेस्ट रहते हैं, मतलब मुझे लगता है ये बेस्ट है, तो इतना नहीं मुझे इतना बेस्ट नज़र आ रहा है। तो इसको इक्वल करके ना मतलब यहाँ से ये बेस्ट इक्वल करके ऐसे उसको कर देते हैं, डन, ठीक है। तो आपको जितना स्टेटस चाहिए उसको इतना लेंथ करते हैं, इतना ये, ठीक है, लेंथ इतना रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट जाएंगे ऐसे, एंड यहाँ से जाएंगे हम लोग कलर फिल्टर में, यहाँ से इसको प्लेयर कन्वर्ट करने के लिए ये इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से ये इसकी ऑपेसिटी कम कर देंगे, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा। कोई और भी आप लोग इस पर चेक कर सकते हैं, ये भी नहीं, ये भी मतलब जो भी आपको इसमें अच्छा लगे। तो मुझे 1 नंबर वाला सही लग रहा था, इसको मैं डन कर देता हूँ, तो ये हो गया डन। ऐसे हम लोग जाएंगे नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ से लेयर में, एंड हैंड राइटिंग आपको नज़र आ रहा है एंड मेज पे, ठीक है। एंड यहाँ से हम लोग ड्रॉ में जाएंगे, एंड यहाँ से इसको हम लोग ट्राइकल चेक करेंगे, एंड यहाँ से वाइट कलर चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको कर दें डन, एंड यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल यू ड्रा कर देते हैं, मतलब हम लोग साइड पे आउटलाइन ड्रा करने वाले हैं। एंड ये आप लोगों ने लाजमी ड्रा करने थे, क्योंकि उसके मतलब साथ काफ़ी प्रोफेशनल लुक देते हैं। इसको आप लोगों ने एडजस्ट कर देना अपने हिसाब से, तो मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ये हो गया डन। Thank you.
तो यहाँ पे ये जो गडन ठीक है, अब हम लोग इसको सिलेक्ट कर देंगे यहाँ से, ठीक है, और इसको आखिर तक ले आएंगे, एंड तक। तो ये भी यहाँ से होगा टैग, यहाँ से हम लोग जाएंगे मीडिया में, एंड यहाँ से हम लोग अपना लोगो ले आते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि लोगो का मैं ट्यूटोरियल यहाँ पे आपको नहीं देने वाला। अगर आपको लोगो का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको ले आऊँगा। अभी मैं आपको नहीं बताने लगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो सकती है। तो यहाँ से मैं फराफर ले आता हूँ अपना ये वाला लोगो, तो लोगो मैं ले आऊँ, और आप लोगों ने इसको स्क्रॉल एंड कर देना, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने इसको पहले मतलब बड़ा करना ताकि हमें सही नज़र आए, आप लोगों ने इसको सही यहाँ एडजस्ट करके लगा देना। तो जहाँ पे आपको एडजस्ट लगे वहाँ पे आपको सही करके लगा देना है। मुझे यहाँ पे एडजस्ट लगेगा तो मैं वहीं पे इसको लगाऊंगा। तो ये हो गया डन, यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको एंड तक ले जाएंगे ये। तो यहाँ से भी हो जाएगा डन, ठीक है। तो अब हम करेंगे कि यहाँ से जाएंगे मीडिया में, ठीक है। अब हमें जो मतलब वीडियो जिसकी हमें ऑडियो चाहिए हम वो लेते हैं। अगर आपके पास लाइब्रेरी में ऑडियो पड़ी तो ठीक है, वरना नहीं आप किस वीडियो से भी निकाल सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरह निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने वो वाली वीडियो ले आनी है, तो ये मैं इस वीडियो को निकालने वाला हूँ, ठीक है। देन आप लोग जाएंगे ऐसे मतलब नीचे, आप बिल्कुल आखिर में जाएंगे इसके ऑप्शन पे, एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑडियो आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसका ऑडियो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो हम इस वीडियो को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो ये हो गया डन। तो अब हम लोग मतलब इसको सुनेंगे कि ये क्या कह रहे हैं। यहाँ से हम लोग इसके साथ बिल्कुल ही जो यहाँ पे हम अभी मैं आपको यहाँ पे नहीं सुना सकते कि मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो इसीलिए जो भी इसने कहा हम लोग यहाँ से लिखेंगे टेक्स्ट में, ठीक है। एंड यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप इंग्लिश में तो इसको आप लोगों ने अपने मोबाइल सिस्टम से मतलब उर्दू में कर देना है, मैं यहाँ से उर्दू में कर देता हूँ इसे लैंग्वेज में जाके, ठीक है। अगर आपका मतलब जो है ना वो उर्दू में नहीं है तो आप लोगों ने इसको उर्दू में लाजमी करना है। मैं यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसको डन। तो आगे हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट, मतलब ये पहले कह रहे गुलाब जैसे हो, ठीक है। तो हम लोग वही लिखेंगे जो अभी इसने कहा, आप लोगों ने वही लिखना है। तो मैं वहीं पे लिख लेता हूँ गुलाब जैसे जिम सिंह सीन सीन कहाँ गया, इसमें गायब हो जाए जिससे मैं इसका आदि नहीं हूँ। जो लोग इसके आदि होते हैं ना तो वो इसको सही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका आदि नहीं हूँ, तो अगर आप इसका आदि तो आप इसको सही यूज़ कर सकते हैं उर्दू का। मैं इंग्लिश का ही हूँ इसीलिए चीज़ें मिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये हो गया यहाँ से डन, जैसे हो तो ये हो है वो हो, तो ये हो गया डन। तो हम इसको यहाँ से जूम करके जूम कर देते हैं, मतलब यहाँ से इसको जो हमारा टेक्स है इसको पकड़ के ऐसे इसको जूम करें थोड़ा सा, ये हो गया डन। तो उसको हम लोग यहाँ से मतलब इमोजी भी लगा देंगे, इमोजी एक प्रोफेशनल लुक देते हैं। तो उस आप लोग गुलाब की इमोजी लगा दो ये, तो ये हो गया डन। यहाँ से हम लोग जाएंगे मतलब अब इसको ये एडजस्ट कर देंगे थोड़ा सा जूम आउट करके इस लाइन के ऊपर, क्योंकि उर्दू के एक लाइन के ऊपर लेते हैं। जैसे उर्दू के टेक्स को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं ये, तो आप लोग देख सकते काफ़ी प्रोफेशनल लुक दिया इसने टेक्स्ट ने। तो ये आप लोग देख सकते हो, मतलब हम लोग जहाँ पे देखें यहाँ तक बोल रहा है गुलाब जैसे हो, यहाँ तक हम इसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बेस्ट हो चुका। तभी हम इसको यहाँ से देते हैं एनिमेशन, इसको सिलेक्ट करके तो यहाँ से जाएंगे इन एनिमेशन, इसको हम लोग दे देते हैं, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके हम इसको एनिमेशन देंगे, अभी एनिमेशन दे देते हैं। इन एनिमेशन में हम लोग जाएंगे, यहाँ से हम लोग कर देते हैं इसका स्लाइड अप, ये नीचे से ऊपर आएगा, ठीक है। एंड आउट ऑफ भी यही दे दें, आउट एनिमेशन भी हम जाके इसका भी यही दे दें स्लाइड अप, तो ये भी काफ़ी अच्छा होगा, मतलब ऊपर चला जाएगा। जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे तो मतलब ये नीचे से ऊपर आएगा, ये ऊपर चलेगा, जो नीचे से दूसरे को भी इन एनिमेशन देंगे वो भी ऊपर ही आ जाएगा। इसी तरह ये हो जाएगा यहाँ तक, ये एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगले को भी हम लोग अभी यही एनिमेशन देने वाले हैं, बिल्कुल ठीक है। बाकी तरीका भी सेम है, यहाँ से आके मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ कर दी है क्योंकि मैं आपका टाइम यार ज़ाया नहीं करना चाहता। अगर मैं आपको ये फुल डिटेल के साथ समझाता तो ये आई थिंक के 20 से 22 मिनट की वीडियो हो जाती, तो अच्छा ना होता। बिल्कुल सीन यही सीन है जो मैंने आपको समझाया, मैं वही कुछ सब कुछ कर रहा हूँ। तो आगे वॉइस ओवर के लिए मैं माजरत करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देता हूँ। यहाँ तक ये हो चुका डन। तो सारों को वही सीन मैंने किया, देखें वही एनिमेशन दिए, तो ये सारा आप लोग एक दफ़ा इसको रीचेक भी कर सकते हैं, मतलब ठीक है। अब हम इस एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके हम उसको ऐसे कर देते हैं एक्सपोर्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ट्यूटोरियल जो हमारा था वो पसंद आ गया। अगर आपको पसंद आ गया होगा तो ठीक है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, एंड मुझे चैनल पर भी सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोग यहाँ पर बिल्कुल नए हैं, क्योंकि हम ऐसे अमेजिंग कंटेंट लेकर आते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।